बिहार में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर का विरोध लगातार जारी है। अररिया जिला के फारबिसगंज में भी यही हाल है। यहां पर भी बिजली विभाग का पुरजोर विरोध हो रहा है। छुआपट्टी में स्मार्ट मीटर लगाने आए बिजली विभाग की टीम को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा है। यहां पर जबरदस्ती बोलता है सरकार का आदेश है लगाना होगा नहीं तो लाइन काटेंगे। यहां जबरदस्ती मीटर लगा रहा है। कौन मीटर लगा रहा है? हम की डिजिटल मीटर जिसका पूरा बिहार में विरोध हो रहा है वो मीटर लगाया जा रहा है। जिसका पूरा बिहार में विरोध हो रहा है वो मीटर लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्मार्ट मीटर लगाने का काम जारी है, जिसे बिजली उपभोक्ता मुसीबत का मीटर या फिर पॉकेट कटवा मीटर कहते हैं। यही वजह है कि लगातार विरोध का सिलसिला जारी है, जिसके चलते बिजली विभाग को टारगेट पूरा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर बिजली विभाग का दावा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर और मैनुअल मीटर में कोई फर्क नहीं है, दोनों मीटर से एक समान ही काम करता है और बिल भी खर्च के हिसाब से आता है, जिसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए इन मीटरों को इंस्टॉल करने में परेशानियां आ रही हैं। बोल रहा है कि बिजली ज्यादा है इसी कारण स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, फारबिसगंज शहर के बारे में बता रहे हैं, कोई भी घर में जाइए 5000 से ज्यादा होता है बिजली काट दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन गाँव में, मैं मानता हूँ गाँव में 5000, 10000, 20000 बिजली है, वहाँ जाइए जहाँ पे बकाया है आप यहाँ स्मार्ट मीटर लगा लीजिए। स्मार्ट मीटर का मतलब यह हुआ आज 50000 डाले, एक महीना 50000 का खुप चुप, मतलब 5000 का बिजली जरा 50000 गया। इसका उदाहरण ये है कि आप चल जाइए पावर हाउस, 10 आदमी के घर में जाइए, आपको वहाँ बता देंगे कि क्या गरीब आदमी ऐसे बोलता है, भैया हो आज डाले 1000 टका, 5 दिन लग गया बिजली कट गया। तो ये लोग आया बल प्रयोग बोलता है लगा के छोड़ेंगे, बल प्रयोग SP को बुला रहे हैं, DM को बुला रहे हैं, मतलब हत्या कर दीजिए सबका एक तरफ से गरीब आदमी का। और आपको लगाना है सबसे पहले सांसद के पास जाइए, विधायक के पास जाइए, जो बड़े औहदा पे हैं उसके यहाँ लगाइए, तब गरीब आदमी के पास जाइए, आम आदमी के पास जाइए, नहीं उसके यहाँ आपको डर लगता है। आम आदमी बेवकूफ।